यूपी की आज की सबसे बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता रहे हैं। यूपी की आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर सबसे पुख्ता खबर हम आपको बता रहे हैं। भारत समाचार पर सूत्रों के हवाले से हम आपको ये खबर बता रहे हैं। लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर होगा, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आईजी स्तर का अफसर कमिश्नर होगा, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दो ही नहीं बल्कि 5 शहरों में कमिश्नरेट होगा, 3 और शहरों में भी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होगा। यूपी की आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहले इस तरह की खबरें थी कि केवल 2 जगहों पर होगा, लेकिन भारत समाचार सबसे बड़ा खुलासा कर रहा, सूत्रों के हवाले से हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। 5 जगहों पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी, आईजी स्तर का अफसर कमिश्नर होगा, हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 2 ही नहीं बल्कि 5 शहरों में कमिश्नरेट होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से पहले ही ये सूचना थी कि कल कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें कमिश्नर पर मुहर लगेगी, अब भारत समाचार खुलासा कर रहा कि 3 शहरों के नाम कमेटी तय करेगी और यहां पर 5 शहरों में इसकी तैयारी है। बिल्कुल, देखिए बहुत पहले भी, 3-4 दिन पहले भी जब यह बात आई थी तो उसमें भारत समाचार ने बात का खुलासा किया था कि यूपी में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा नोएडा और लखनऊ में। इसमें 2 जिलों में प्रयोग के तौर पर यह सिस्टम लागू किया जाना है। कल 9:30 बजे सीएम योगी की कैबिनेट की बैठक है और उसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी और 5 और शहर इसकी कहा जाए तो इस प्रणाली की व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। उसमें से लखनऊ और नोएडा के बाद कानपुर, गाजियाबाद और मेरठ, इन सबको लेकर नाम चल रहा है। कमेटी इन जिलों के नाम सुझाएगी, लेकिन ये तय मानिए कि कानपुर में आज से 30 साल पहले एक बार पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की कोशिश की गई थी और उसमें कमिश्नर भी नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आईएस लाबी के दबाव में सरकार ने वो फैसला आखिरी वक्त में वापस ले लिया। उसके बाद से कोई सरकार ये हिम्मत नहीं कर पाई, तो सीएम योगी ने ये कहा जाए साहसिक फैसला वो करने जा रहे हैं और जो अभी तक ब्यूरोक्रेसी का वर्चस्व था उत्तर प्रदेश में, आईएएस अफसरों का वर्चस्व था, उस वर्चस्व को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस को और सुदृढ़ करने के लिए व्यवस्था लागू की है। अब इसमें देखिए सिस्टम ये है कि आईजी अवलिक एडीजी कोई पुलिस कमिश्नर हो सकता है, सीपी जिसको कमिश्नर आप पुलिस कहते हैं सीपी बोलते हैं, और उसके नीचे डीसीपी और एसीपी ये पद होंगे, यानी कि उपायुक्त और सहायक पुलिस उपायुक्त। तो ये व्यवस्था कल पूरी क्लियरिटी के साथ कैबिनेट में पास हो जाएगी और सारे पदों की स्थिति साफ हो जाएगी। जी वीरेंद्र जी, तो क्या माना जाए, कल 2 शहरों के नामों पर मुहर लगेगी और साथ ही 3 जो दूसरे शहर होंगे उन पर सहमति भी बन जाएगी, जिसके बाद इस सिस्टम को पूरी तरह से लागू करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, देखिए कल तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है पुलिस के नजरिए से, और आईपीएस अधिकारी अब कहीं भी आईएएस से कमतर नहीं रह जाएंगे। आईपीएस अफसरों का योगी सरकार ने बहुत बड़ा सम्मान किया है और वर्षों की जो मांग थी उसकी वो पूरा करने जा रहे हैं। तो इससे 2 शहर तो ये क्लियर है लखनऊ और नोएडा, लेकिन 3 और शहर उनके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, वो सिफारिश देगी कि वहाँ पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाए। बिल्कुल वीरेंद्र जी, लेकिन हम चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें आप पूरी तस्वीर साफ करिए और बताइए कि जब कमिश्नर सिस्टम लागू होगा इन शहरों में तो क्या बदलाव होंगे, किस तरह से यहाँ पर पुलिसिंग सिस्टम में बदलाव देखने को मिलेगा, किस तरह के अधिकार होंगे जो अब यहाँ पर पुलिस कमिश्नर के हाथ में होंगे। बिल्कुल, 2 शहर लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो रहा है। जो 3 जगह बची हैं वो मैं आपको पहले बता दूं कि 3 जगह है वो कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, बनारस, इन 4 में से वो 3 जिले हो सकते हैं अगले चरण में। उसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली क्या विशेषता है उसकी, तो एक तो जो पुलिस कमिश्नर होता है सीपी यानी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसके पास असलाह देने के लाइसेंस का अधिकार आ जाएगा, वो आबकारी के लाइसेंस देगा, वो होटलों के लाइसेंस जारी करेगा, वो 151 की जो धारा है जो एसडीएम के यहाँ लोग जाते थे चालान कराने के लिए वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। लाठी चार्ज करना है तो उसके लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। 25 आर्म्स एक्ट, गुंडा एक्ट, जिला बदर, एनएसए, इन सब चीजों में कमिश्नर ऑफ पुलिस अब सीधे
आदेश करेगा। बिल्कुल वीरेन जी, ये अधिकार होंगे जो डीएम के पास से अब कमिश्नर के पास चले जाएंगे। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। सूर्य प्रताप सिंह जी, जिस तरह से पहले ही आशंकाएं थी कि जब कैबिनेट की बैठक होगी तो दो जिलों में कमिश्नर के नाम तय हो जाएंगे, कमिश्नरी सिस्टम आ जाएगा, लेकिन पांच शहरों की अब चर्चा हो रही है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं और आपको लगता है कि यूपी की पुलिसिंग में इस तरह के बदलाव जरूरी हो गए थे या फिर यहां पर किसी तरह की मजबूरी भी थी? देखिए, पुलिस को योगी सरकार ने पहले से इतने अधिकार दे रखे हैं कि आप देखते किसी को गोली मार दो, एनकाउंटर कर दो, सड़क चलते को मार दो, ठोक दो जिसको चाहना है। तो पुलिस को पुलिस कमिश्नर बना के कोई अधिकार अधिक थोड़ी मिल जाएंगे? अभी भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार दिए हुए हैं। आप देखिए, कागज के हिसाब से जो अखबारों में छपा है, 3000 एनकाउंटर हुए हैं। हर एनकाउंटर में सीआरपीसी के अंतर्गत धारा 176 में जो इंक्वेस्ट होना चाहिए, मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए, एक भी केस में मजिस्ट्रियल जांच नहीं हुई है। लेकिन सूर्य प्रताप जी, सवाल ये है कि डीएम वाले अधिकार पुलिस कमिश्नर को देकर आखिर क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है, आखिर इन्हें क्यों दिया जा रहा है? कुछ नहीं मिलेगा। आप देखिए तो सही है, अभी आप ये सब वापिस हो जाएगा। जनता आज जो थाने में जाने से डरती है, यूपी बिहार एक फ्यूडल स्टेट है, जनता आज भी पुलिस थाने में जाने से डरती है। अभी भी उसको लगता है कि मुझे डीएम एसडीएम कमिश्नर के यहाँ जाने में आसानी होती है, डरता नहीं है वो। अब जो अगर पुलिस कमिश्नर सिस्टम आ जाएगा, पुलिस राज अगर हो जाएगा, कौन जाएगा थाने में मिलने? कौन जाएगा पुलिस कमिश्नर के पास? डरेंगे लोग, ठोक के बंद कर देगा। तो यही देखिए, जो व्यवस्था बनी, ये कानूनी रूप से अभी शौक चरमरा रहा है इनको करने का, कैसा कर लेंगे? अरे पुलिस को कौन जाएगा? पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी बने हुए हैं। विक्रम सिंह जी, आपका स्वागत है बड़े समाचार पर। कमिश्नरी प्रणाली जो बहुत प्रतीक्षित थी, कई बार यूपी में कोशिश की गई पर नहीं आ पाई, योगी सरकार अब उसे लागू करने जा रही है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं और जमीन पर किस तरह के बदलाव आएंगे जब सूर्य प्रताप सिंह जी इस तरह की आशंकाएं जता रहे हैं कि पुलिस केवल टूल बन के रह जाएगी? ये एक किसी क्रांति से कम नहीं है और वास्तव में एक सकारात्मक क्रांति होगी, क्योंकि बहुत जमाने से एक दखियानूसी पुलिस व्यवस्था चल रही थी जिसमें जिलाधिकारी क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था, जिसका कोई औचित्य नहीं है। तो क्या हम मान लें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, कोयम्बटूर, बेंगलुरु में क्या दखियानूसी व्यवस्था है? ये बहुत ही सकारात्मक सोच धर्मवीरा कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुरूप और तमाम जो पुलिस कमीशन आए उनके अनुरूप, और मैनेजरियल पावर्स पुलिस के पास आने ही चाहिए, और इसलिए क्योंकि जनहित में ही आवश्यक है, त्वरित कार्रवाई के लिए ये आवश्यक है। सूर्य प्रताप जी कह रहे हैं कि पहले से ही पुलिस को यूपी में कई अधिकार मिले हुए हैं, ऐसे में ये नए अधिकार मिलने से कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं मिलने जा रहा, क्या वास्तव में ऐसा है या फिर अंतर दिखेंगे? हरगिज नहीं, अंतर और परिवर्तन और क्रांति आपके सामने आएगी। इसीलिए चाहते हैं कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो नहीं चाहते कि पुलिस कमिश्नरी लागू की जाए, जनहित में ये आवश्यक है और आज नहीं तो कल ये लागू ही होगी। तो योगी सरकार ला रही है तो वो भलाई प्रशंसा के पात्र है, क्योंकि ये किसी क्रांति से कम नहीं होगी। सूर्य प्रताप जी, जिस तरह की बातें विक्रम सिंह कर रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? आपको लगता है कि इस तरह के पावर्स देने से पुलिसिंग सिस्टम बदलेगा, जमीन पर हालात बदलेंगे? देखिए, अपना अपना मत है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ विक्रम सिंह साहब का, उनकी बात अपनी जगह पर सही हो सकती है। अभी तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना, अगर अच्छा होगा, क्रांति होगी तो देखने में आ जाएगा। अगर नोएडा ग्रेटर नोएडा में यही करते हैं कि जो सरकार की सिस्टम बदलने की जो सोच हो जमीन पर सकारात्मक हो और उसके अच्छे परिणाम देखने को मिले। तमाम जानकारी देने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।